क्या मस्त जोके थे, फॉरवर्ड किया मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। हम दोनों के लिए क्यों सबॉर्डिनेट, क्यों, क्या कमी रह गई? हम अकेले में बात कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। इज नथिंग, कमी, क्या कमी रह गई? मैंने अपना पुराना ऑफिस सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि तुम मुझे वो दोगे जो जो मेरा एक्स बॉस नहीं दे सका। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? कॉस्ट कटिंग के नाम पे चाय में दूध कम, ऑफिस पार्टी में ब्लैक लेवल की बॉटल में ब्लेंडर स्प्राइट, और फेस्टिवल बोनस के नाम पे हल्दीराम की सोन पापड़ी, कैबिन के सपने दिखा के एक छोटा सा 3x3 का क्यूबिकल। अरे यार, इससे ज्यादा बड़ा तो नीचे चाय की टपरी है। वो इल्लीगल एरिया पे बस एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन। छी, लोग ठीक कहते हैं कि पहले पहले सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बस 10%, 10%। शर्मा जी के बेटे, शर्मा जी के सबॉर्डिनेट को पूरे 40% का हाइक मिला। आप बताओ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मैं अब तक उसी स्लैब में बैठा हूं? बॉस बाबू, मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ओह, इतनी सी बात तो फाइनेंस से मार्केटिंग में शिफ्ट कर दो, फिर दौड़ो, उड़ो, गिरो। यार तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, जो जब बोलना है बोलते नहीं हो, बाद में उसे ही हथियार की तरह यूज करते हो बॉस पे। देख, तुमने कहा था फेसबुक, यूट्यूब, पॉर्नहब अनब्लॉक कर दो, मैंने कर दिया। और क्या किया? मेरे हर स्टेटस पे सबसे पहला लाइक आपका होता है, जस्ट टू शो दैट सबॉर्डिनेट, योर बॉस इज वॉचिंग यू। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं ना और डेट पे एक सेल्फी भी डालता हूं, तो वेटर आके पूछता है कि भाई तीसरी प्लेट लगा दूं, एज इफ ही आल्सो नोस दैट द बॉस इज एवरीवेयर। यार इससे ज्यादा प्राइवेसी तो बिग बॉस के घर में होती है। तुम क्या कर रहे हो यहां पे? प्रमोशन, ठीक है, रख लिया। इसको भी प्रमोशन? याद है वो दिन जब तुम पहली बार यहां आए थे? तुमने अपने हाथों से वो रिपोर्ट बनाकर इंप्रेस किया था मुझे। यार रिवर्स साइकोलॉजी मत खेलो यार। अब क्या तुम्हें इस जॉब ने कुछ नहीं दिया है? सच में इस जॉब ने मुझे दिया है टेंशन, एक्सपोजर, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ऑफिस में सीनियरिटी दिखाने के लिए डांट, ग्रो करने के लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम। यू मीन चुतिया किटी पार्टी गेम्स, नया घर, नई गाड़ी, आवाज करते हुए पुरानी चेयर, अच्छे दिन, आइलैंड, कंफर्टेबल लाइफ, जीरो सोशल लाइफ, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, यू नो पैंडी पैरासिटामोल, फर्स्ट एड बॉक्स, हेल्थ हैजार्ड, बैक पेन, एंग्जायटी, स्मोकिंग हैबिट, अपग्रेड करवाया बीडी से सिगरेट तक। इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। बीड़ी से सिगरेट पे अपग्रेड कराया मेरे एक्स बॉस ने, और क्रेडिट तुम लेना चाहते हो? भक्त हो क्या? ईओडी साइन हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। ये सब बस इसलिए कि मैं इस कागज पर साइन कर दूं, कर देता। पर क्या तुम्हें लगता है तुम्हें यहां से जाने के बाद अच्छा बॉस मिलेगा जो बोरियत में मीटिंग्स ना रखवा?
जो मीटिंग्स में ऑन द फेस औकात ना दिखाए, जो बिना चटवाए बोल दे कि जा दी तुझे ए प्लस ग्रेड, जो 6 बजे ही बोल दे जा सबॉर्डिनेट जा जी ले अपनी जिंदगी, सच्चा बॉस मिथ है मिथ। और मान लो तूने स्टार्टअप कर लिया तो क्या तुझे अच्छे सबॉर्डिनेट्स मिलेंगे? सच्चे सबॉर्डिनेट्स मिथ है मिथ। ऑल दिस इम्परफेक्शंस, बीचिंग बटरिंग फेवरिज्म नेपोटिज्म चाटना जी हुजूरी, यही तो प्रोफेशनल रिश्ते बनाते हैं। और तुम उन्हें ठुकरा कर जा रहे हो। Boom, boom.